अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाला Realme 3 वर्सेस Infinix Hot 7 Pro के बारे में। दोनों की स्पेसिफिकेशन, दोनों की प्राइस और सब कुछ जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो यार अब हम यूज कर लेते हैं इसका। सबसे पहले जिस चीज के लिए आप लोग ओप्पो और रियलमी को खरीदते हैं, कैमरा। तो यहाँ पे इसका कैमरे का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, बड़ा जबरदस्त है। यहाँ पे दो कैमरा आपको मिल जाते हैं, एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है और एक यहाँ पे डबल लेयर आपको नजर आएगा, अल्ट्रा वाइड का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पोर्ट्रेट मोड में टेलीफोटो आपको हर चीज मिल रही है। HDR का डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे, फोटो उसके बाद पोर्ट्रेट, दो कैमरे है। तो यहाँ पे एक टेलीफोटो है और दूसरा पोर्ट्रेट के लिए डेप्थ सेंसर ये यूज हो रहा है, साथ LED फ्लैश मिल रही है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है आपको बैक साइड पे इसी के मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो वीडियो जो है वो 1080 का पिक्सल आपको कैप्चर करके देगा। इसमें थोड़ा सा कैप्चर कर देता हूँ। उसके बाद हम इसके फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं। यार फ्रंट कैमरा भी सही, अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, अपने लिए तो अच्छा है। Realme 3 आप इस यहाँ पे देख सकते हैं, मॉडल नंबर RMX1821 है और कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन है वर्जन 6.0, एंड्रॉइड 9 है। उसके बाद प्रोसेसर ऑक्टाकोर, 4GB रैम में आपको मिल जाती है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज भी आपको मिल रही है। यहाँ पे कर्नल आपको मिल रहा है एंड्रॉइड सिक्योरिटी, यानी 5 जून 2019 तक आपकी जो लास्ट यहाँ पे सिक्योरिटी पैच की अपडेट आपको मिली है वो है एंड्रॉइड की अपडेट। इसके अंदर एंड्रॉइड 10 के अंदर भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी कुछ अरसे में। तो यहाँ पे अब इसको हमने कर लिया है अनबॉक्स और आपने देख लिया है स्मार्टफोन, फिंगरप्रिंट बस आ रहे हैं इसके ऊपर और यहाँ पे ड्यू ड्रॉप नॉच भी आपको मिल रही है। सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है इस प्राइस टैग के लिहाज से, रियलमी का जबरदस्त स्मार्टफोन है। तो चलिए यार शुरू करते हैं, यहाँ पे इसका रिव्यू करते हैं प्रॉपर। सबसे पहले इसकी डिजाइन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको बैक साइड के ऊपर एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, उसके साथ आपको एक 13 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिल रहा है, उसके साथ आपको डेप्थ सेंसर मिल रहा है। यहाँ पे डुअल LED फ्लैश आपको मिल रही है, उसके साथ आप यहाँ पे इसकी जो राइट साइड है यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर बटन के साथ आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल रहा है। उसके अलावा इसका जो डिजाइन है काफी स्लिम सा डिजाइन है, यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है लेफ्ट साइड के ऊपर। नीचे आप अगर आए तो यहाँ पर एक बड़ा हैवी सा स्पीकर, एक ऑडियो जैक 3.5 mm का मिल जाता है, उसके साथ एक माइक्रोफोन का ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके अलावा आपके पास एक USB पोर्ट भी दी गई है चार्जिंग स्लॉट के लिए। अब हम फ्रंट के ऊपर आते हैं। यार इसके जो कलर्स हैं वो काफी जबरदस्त है, 6.2 इंच इसकी स्क्रीन है यहाँ पर और इसके जो कलर्स हैं वो काफी जबरदस्त, यहाँ पे नेचुरल कलर्स को सपोर्ट कर रहा है। उसके साथ आप वाइड नॉच भी आपको नजर आ रही है। अब हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो यहाँ पे इसको मैं सेटअप नहीं करूंगा। फेस अनलॉक जो है काफी जबरदस्त स्पीड के अंदर प्रोवाइड कर रहा है ऑलरेडी इन्फिनिक्स। उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाता है, उसके अलावा आप पिन कोड यूज करना चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसकी सेटिंग्स में जाकर आपको दिखाते हैं सिस्टम के अंदर क्या क्या। यहाँ पे XOS चीता वर्जन 5.0.0 यहाँ पे अवेलेबल किया गया, एंड्रॉइड पाई है 9.0, उसके बाद 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ जो मेन कैमरा है वो भी 13 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल के साथ डेप्थ सेंसर है। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो है वो भी आप देख सकते हैं, एक डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है और 13 मेगापिक्सल का कैमरा भी प्रोवाइड किया गया है, साथ LED फ्लैश फ्रंट साइड के ऊपर भी आपको प्रोवाइड की गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी और इसके जो चिपसेट GPU वगैरह की। तो यार प्रोसेसर जो है ऑक्टाकोर का है और 8 की 8 कोर जो है 2.3 GHz की स्पीड के ऊपर काम करेंगी। इसका जो बाकी रेजोल्यूशन है वो 720 पिक्सल का, यानी HD+ रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, यहाँ पे फुल HD+ इसका रेजोल्यूशन लग रहा है क्योंकि कलर क्वालिटी काफी कमाल की यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आपको डुअल सिम प्लस जो है मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज भी आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगी। उसके बाद इसमें कुछ एप्स को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे कुछ गेम्स हैं, हम इनको खोल लेते हैं। तो ये कुछ गेम्स थी, इनको हम खोल के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसे बड़ी जल्दी ओपन कर लिया, तो यहाँ पे स्पीड वगैरह जो है काफी जबरदस्त प्रोवाइड कर रहा है। अब इसको मैं खेलता नहीं, इसको मैं बैक करके चलता हूँ। उसके बाद एसफॉल्ट, ये काफी हैवी गेम है और ये देखते हैं कितनी जल्दी ओपन करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कितनी स्पीड के अंदर इसने प्रोवाइड कर दिया हमारे को ये गेम। और यहाँ पे GPU वगैरह गेमिंग के लिहाज से इसको काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। तो यार यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अगर आप गेम खेल रहे थे यहाँ पे आप WhatsApp यूज कर सकते हैं, क्रोम यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप मैसेंजर वगैरह जो भी आप यूज करना चाहिए यूज करते हैं। अब हम लास्ट में देख लेते हैं इसके कैमरा की, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात होती है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, तो कैमरा जो है मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा यूज होने वाला। तो अब हम आते हैं इसके कैमरा के ऊपर। तो इसका जो मेन कैमरा है, AI कैमरे के ऊपर एक पिक्चर लेके मैं आपको दिखा देता हूँ और इसने पिक्चर ले ली। अब इसको हम देख रहे थे कितने जबरदस्त तरीके से ली। तो यार मतलब रिजल्ट इसने बहुत जबरदस्त, ये नेचुरल कलर्स को इसने उठाया है,
13 मेगापिक्सल का ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी कमाल तरीके से पिक्चर लिए। उसके बाद एआई कैम है हमारे पास, वीडियो का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, ब्यूटी मोड दे रहा है हमें, उसके अलावा और भी ऑगमेंटेड रियलिटी शॉट भी यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब ये फ्रंट कैमरे के ऊपर इसको देख लेते हैं, और ये देखें मतलब यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर ये बड़ा जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ये सही हो गया। तो अब इसकी रैम मैनेजमेंट हम चेक कर लेते हैं कि यार रैम के अंदर जो जो हमने एप्स खोली थी वो अभी भी चल रही हैं या नहीं। आप देख सकते हैं तकरीबन सारी एप्स जो हैं, गेम्स भी जो हैं, वो अभी रैम के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे रैम मैनेजमेंट भी जो है इस स्मार्टफोन की बड़ी जबरदस्त है, और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको ये स्मार्टफोन 20,000 रुपए में मिल जाएगा। तो यहाँ पे रैम मैनेजमेंट के अंदर भी इसको मैं काफी जबरदस्त रेट कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा इसने परफॉर्म किया है। तो यार अगर यहाँ पे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी चाहिए, बेहतरीन चाहिए, बेहतरीन से भी थोड़ा सा ऊपर चाहिए, तो आप Realme 3 को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतनी हैवी परफॉर्मेंस गेमिंग के अंदर नहीं चाहिए और आप एक नॉर्मल यूसेज के लिए, नॉर्मल तो नहीं, नॉर्मल से ऊपर लेवल के यूसेज के लिए आप ले रहे हैं, तो आपको मैं Infinix Hot 7 Pro यहाँ पे रिकगनाइज करूंगा। अब दोनों की प्राइस टैग के अंदर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। Realme 3 जो है वो ब्रांड लॉयल्टी की वजह से कह लेंगे उसके 2-3 हज़ार रुपये ज्यादा है, और जो यहाँ पे इन्फिनिक्स है उसकी भी एक सेपरेट फैन बेस है और एक सेपरेट उसकी ब्रांड लॉयल्टी है, लेकिन वो पाकिस्तानी मार्केट को अच्छे से टैप करके और ऑडियंस के लिहाज से मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, और इसके चैलेंज के ऊपर अभी तक तो कोई स्मार्टफोन आया नहीं है। ऑल तो Realme 3 उसके चैलेंज के ऊपर पूरा पूरा उतर रहा है, लेकिन 3,000 की एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। Infinix Hot 7 Pro की प्राइस आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मिल जाएगी 20,000 रुपये, और यहाँ पे Realme 3 की प्राइस मिलेगी 23,000 रुपये। अब आपका बजट देखते हुए मेरे ख्याल से इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। गेमिंग परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट आपको सेम ही प्रोवाइड करेंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, हर चीज ऑलमोस्ट आपको सेम सेम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्राइस के अंदर थोड़ा सा इशू आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो यार आप रियलमी की तरफ चले जाए, नहीं है तो आप इन्फिनिक्स की तरफ जाते हैं। मेरा यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है कि यार आपको टारगेट करके बोल, यहाँ पे ज्यादा फर्क मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, कोई इतना ज्यादा हाई वोल्टेज फर्क नहीं है, लेकिन प्राइस का फर्क है, रियलमी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, इन्फिनिक्स को भी ले सकते हैं और Realme 3 को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।